इस ठंड में इस तरह आप मक्के की आटा का डोसा ज़रूर बनाएं। इसे बनाने में पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखनी पड़ती है और ये बहुत झटपट भी बन जाती है। और उसके साथ हम बनाएंगे लाल चटनी स्पेशल तरह की, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1 कप मक्के का आटा, 1/4 कप गेहूँ का आटा, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर जिससे कलर अच्छा आएगा, 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो यहाँ प्याज स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। यहाँ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। इसमें एक ही साथ पानी डाल देने से इसमें बहुत सारी गुठलियाँ आ जाती है, इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और इसे इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह का इसका रनिंग कंसिस्टेंसी रहना चाहिए डोसे का। अब इसे हम ढक के रख देंगे और तब तक हम चटनी बना लेते हैं और ये फूल के भी तैयार हो जाएगी। यहाँ लेंगे हम 1 टीस्पून ऑयल और उसमें 2 बड़ा चम्मच चना दाल डालेंगे। चने दाल के ऊपर थोड़ी सी गंदगी रहती है, उसे आप कपड़े से पहले अच्छे से पोंछ ले उसके बाद ही डालें। कपड़ा को थोड़ा सा गीला करके पोंछे। अब चना दाल अच्छे से भून गई है, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश नारियल, ये ऑप्शनल है पर इसे डालने से चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 4 सूखी लाल मिर्च, आप लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर को रफली चॉप करके, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक जिससे टमाटर जल्दी पक जाए। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे भून लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और पीस लेंगे। यहाँ चटनी को हमने पीस के तैयार कर लिया है और हमारा डोसे का बैटर भी अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। यहाँ डालेंगे हम और थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप इसका नमक चेक कर लीजिए। चटनी के लिए तड़का तैयार कर लेंगे, तो यहाँ तड़के पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें 1/2 छोटी चम्मच सरसों डाल देंगे। सरसों आप पक गई है, इसमें डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग और साथ में डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। इस सबको अच्छे से पका लेंगे। तड़का अब हमारा तैयार है, इसे हम चटनी पे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ डोसे का तवा को अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरह डोसे के बैटर को हिला के इस पे डाल देंगे। और डोसे के बैटर को जब भी डालें उसे नीचे से एक बार मिक्स कर ले उसके बाद डालें। डोसे के ऊपर थोड़ा सा ड्राई हो गया है, यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और ये नीचे से पक भी गया है, उसे इस तरह आराम से पलटा लेंगे। क्योंकि ये मक्के के आटे का डोसा है तो ये बहुत जल्दी ही टूट जाती है। इसे दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सेक लें। यहाँ हमारा डोसा तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे डोसे भी तैयार कर लेंगे।
जब भी डोसा बनाए नीचे से एक बार जरूर मिक्स कर ले बैटर को, और इसे भी पलटाते हुए दोनों तरफ से पका लेंगे। मक्के के आटे को डोसा को सेकने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ डोसा अच्छे से पक गई है और हमारा डोसा अब तैयार है। इसके साथ हम चटनी डाल लेंगे। इस ठंड में आप ज़रूर इस तरह डोसा और चटनी बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।